पांडे का आया तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के लव एंगल पर रिएक्शन। वह आखिरकार क्या कुछ कहते नजर आई है पूनम पांडे तेजरन जोड़ी के बारे में, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए, मंडल सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वेल, आपको बता दूं कि पूनम पांडे जो कि लॉकअप की कंफर्म कंटेस्टेंट बन चुकी है, जिनका की प्रोमो भी हमने सामने देखा है कि किस तरह से एक्सट्रीम हॉट होने के कारण उन्हें लॉकअप में भेज दिया जाता है। वेल, इसी बीच जब पूनम पांडे से एक इंटरव्यू के दौरान तेजरन जोड़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजरन जोड़ी बहुत ही ज़्यादा रियल लगती है और साथ ही साथ अगर आपको अपना प्यार किसी भी मोड़ पर मिल जाए तो ये आपसे लकी क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बारे में कुछ पॉजिटिव ही बोलते नजर आई हैं पूनम पांडे। वेल, इसके बाद अगर बता दूं आपको कि पूनम पांडे से जब अगला सवाल पूछा जाता है कि जिस तरह से रियलिटी शोज में हम देखते हैं कि किसी ना किसी का लिंकअप हो जाता है और कोई ना कोई हैशटैग और साथ ही साथ किसी ना किसी के रिलेशनशिप बनकर ही किसी भी रियलिटी शो से निकलते हैं, तो कहीं पूनम पांडे तो किसी के प्यार में नहीं पड़ जाएंगे लॉकअप के अंदर। वेल, पूनम पांडे ने इन सभी चीज़ों से साफ इनकार कर दिया है और वो कहते नजर आई हैं कि उन्हें प्यार व्यार के चक्करों में नहीं पड़ना है और साथ ही साथ पूनम पांडे ने ये भी कह दिया कि शायद प्यार उनके नसीब में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूनम पांडे लॉकअप को लेकर तो एक्साइटेड है, लेकिन हाँ, प्यार श्यार के इस फंदे से पूनम पांडे नहीं इस फंदे में फंसना चाहती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूनम पांडे के इन स्टेटमेंट्स पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।